Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. So, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी. So, कंप्यूटर मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि इसमें हम अपना सारा डेटा, अपने जितना भी हम कंप्यूटर में अपने इमेजेस, अपने वीडियोस, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब हम परमानेंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो बात करेंगे आज हम. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. दे आर ऑल्सो रिकॉर्ड एज स्टोरेज मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी इसको हम कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी. अब इसे इंटरनल क्यों कहा गया है और एक्सटर्नल क्यों कहा गया है? जो हमारी रैम, रोम, ये सब जो होती हैं, वो हमारी इंटरनल मेमोरी कह जाती हैं. और अगर हम एक एक्सटर्नल, एक बाहर से हम कोई स्टोरेज अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करें, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. जैसे कि आपके मैग्नेटिक टेप्स, आपकी पेन ड्राइव्स, ये सब स्टोरेज इकट्ठा करती हैं कंप्यूटर का, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है, ये हम अलग से सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा गया है. गाइस, एक बात और, जो भी मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाऊँगा वो सारा कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, www.techera.xyz. आप एक बार उसे ज़रूर विज़िट करें, आपको थोड़ा और डीपली मैं पढ़ने को वहाँ मिलेगा. तो यहाँ स्टार्ट करते हैं. अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो फर्दर कैटेगराइज्ड है ऑन सीपीयू में, रैम में, रोम. ऑन सीपीयू में दो मेमोरी हैं, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी. रैम में डी रैम, एस रैम. रोम में पी रोम, ई पी रोम, यू वी ई पी रोम और ई ई पी रोम. तो हम आगे इन सब के बारे में बात करेंगे. सो प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू. हम डायरेक्टली सीपीयू से जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा है वो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली बाय सीपीयू से. जो भी कुछ डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो सारा डेटा हम डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस कर सकते हैं. मेमोरी स्पेस इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी कंपेरिजन में जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पेस थोड़ी कम होती है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. जो मेजर टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी का, वो रैम, प्रोसेसर कैश और रोम. सो एक एक करके तीनों के बारे में हम बात करेंगे. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एसेस मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, दैट इज डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर. क्या मतलब है वॉलेटाइल मेमोरी का, कि रैम को वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा गया है? जैसे जिस समय आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो वो सारा डेटा जो है आपका रोम में सेव हो रहा होता है. अगर आपने डेटा सेव नहीं किया हुआ है, जैसे आपने एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड में आप एक अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लेकिन सडनली आपने उसका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया, तो आपका वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा. सो तो प्रेजेंट में आप जो भी कुछ काम लैपटॉप पे या अपने पीसी पे कर रहे होते हैं, वो सारा डेटा जो है रैम पे चल रहा होता है, वो सारा रैम पे सेव हो रहा होता है. जब आप उसे परमानेंटली सेव करेंगे तभी वो डेटा सेव होगा. अगर अदरवाइज अगर आपने बिना सेव करे उसे टर्न ऑफ कर दिया सिस्टम को, तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा. तो टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं इसे. रैम डेटा कैन बी एसेस्ड रैंडमली, उसको रैंडमली एसेस कर सकते हैं. रीड एज वेल एज राइट मेमोरी, हम उसमें हम रैम से डेटा एसेस भी कर सकते हैं और डेटा सेव भी कर सकते हैं. वेन एवर वी एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन इट इज़ फर्स्ट लोडेड इन रैम. जब भी कोई भी हम एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में ओपन करते हैं, तो वो सबसे पहले रैम में लोड होता है. CPU access RAM more than 100 times faster than access of secondary storage. जो CPU है वो RAM पे बहुत फास्टली काम करता है, बहुत फास्टली प्रोसेसिंग करता है, एक्सेप्ट सेकेंडरी स्टोरेज पे वो इतना फास्ट काम नहीं करता, लेकिन वो RAM पे बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है CPU. इट इज़ मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप्स एक छोटे डिवाइस होते हैं जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. सो ये एक डिवाइस होती है छोटी सी, वो अंदर ही रैम में लगी होती है, वो डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में बहुत मदद करती है.
अब रैम के टाइप्स हैं डी रैम, डायनेमिक रैम और एस रैम, स्टैटिक रैम। ईच मेमोरी सेल इज मेड अप ऑफ वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर। एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मिलके इसका हर एक मेमोरी सेल बना होता है। इट लॉसेस इट्स चार्ज वेरी क्विकली। इस पे इतना चार्ज नहीं रहता है डी रैम पे। इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश 1000 टाइम्स इन अ सेकेंड। बार बार हम जो सिस्टम रिफ्रेश करते हैं तो डी रैम की वजह से होता है। स्टैटिक रैम क्या है? ईच मेमोरी सेल इज मेड ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स बट नो कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर एक भी नहीं होता है और 6 ट्रांजिस्टर से मिलकर इसका मेमोरी सेल बना होता है। मेमोरी सेल आर नॉट डिस्चार्ज। इसके जो मेमोरी सेल हैं वो डिस्चार्ज कभी नहीं होते हैं और इसमें हमें रिफ्रेश करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डी रैम के? शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम। इसका लो डेटा का लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है। नीड्स टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एस रैम। एस रैम में कंपेरिजन में ये बहुत स्लो है। स्मॉलर इन साइज, इसका साइज़ भी बहुत छोटा है। लेस एक्सपेंसिव, सस्ती है और लेस पावर कंजम्पशन, यानी पावर भी बहुत कम इस्तेमाल करती है। अब एस रैम में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? लॉन्ग लाइफ, नो नीड टू रिफ्रेश, फास्टर, लार्ज साइज है इसका, एक्सपेंसिव है और हाई पावर कंजम्पशन। तो अब बात आती है रोम की। स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओनली रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। जो रोम है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है, जब वो फैक्ट्री में बन रहा होता है, मैनुफैक्चर हो रहा होता है, तो जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब रोम में स्टोर्ड होते हैं। सो रोम में जो डेटा होता है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बस खाली वहाँ से डेटा हम खाली फेच कर सकते हैं। सो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डू नॉट गेट लॉस्ट इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। अब रैम में क्या था कि अगर आप काम कर रहे हो सिस्टम पे और एकदम से अपनी कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ हो गया तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन रोम में क्या है, आपका डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। अगर आपने एक सिस्टम टर्न ऑफ किया फिर वापस टर्न ऑन किया तो आपका आपका डेटा सुरक्षित वहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन इट्स ड्यूरिंग मैनुफैक्चरिंग। रोम स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस बाय विच कंप्यूटर बूट्स, नोन एज बूटस्ट्रैप। रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर बूटस्ट्रैप के, कंप्यूटर बूट्स के रीबूट करने के लिए। सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो रोम के अंदर चिप्स होती है, उसमें सब इंस्टॉल होते हैं इंस्ट्रक्शंस। रोम चिप्स आर यूज्ड इन सेवरल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इन सब में रोम चिप्स का भी इस्तेमाल होता है। अब टाइप्स क्या हैं रोम के? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूजर बाइज अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर डेटा इन इट। हम जाएं मार्केट में पी रोम खरीदें और अपना मन पसंदीदा या अपना हम डेटा कोई भी हम पी रोम में एंटर कर सकते हैं। आफ्टर वायरिंग डेटा, मतलब एक बार डेटा डालने के बाद इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड नहीं हो सकता। मीन्स हम मार्केट गए, हमने पी रोम खरीदा और हमने अपना जो हमें डेटा डालना है वो हमें डेटा पी रोम के अंदर डाला, फिर एक बार डेटा पढ़ने के बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब बताती है ई पी रोम, इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैन बी इरेज्ड एंड देन प्रोग्राम्ड यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और यूवी रेज। मतलब ई पी रोम में क्या है कि डेटा पहले से अगर मौजूद है ई पी रोम में तो हम उसको हटा के वापस अपना नया डेटा डाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और यूवी रेज की हेल्प से। यूवी ई पी रोम, अल्ट्रा वॉलेट ई पी रोम, इसमें डेटा इरेज हो सकता है यूजिंग यूवी रेज के साथ। आपने अल्ट्रा वॉलेट ई पी रोम लिया, उसमें डेटा अगर पहले से पड़ा है तो आप वो डेटा हटा के अपना डेटा भी डाल सकते हैं यूवी रेज की हेल्प से। ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली ई पी रोम, कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ई पी रोम जो है इसमें हम डेटा 10,000 बार डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड करके फिर उसमें डाल सकते हैं 10,000 बार बाई यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये हमारे रोम के टाइप्स हो गए। अब रोम की करेक्टरिस्टिक्स क्या? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं और आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया है तो टर्न ऑफ होने के बाद आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा परमानेंटली रोम में सेव हो गया होगा।
कैनॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब कि आप रॉम रैम होती है आप उसको चेंज करवा सकते हैं, आपकी जैसे 4 GB की रैम है आपने उसको 8 GB करवा लिया, लेकिन रॉम को आप चेंज नहीं करवा सकते। चीपर देन रैम, रैम सस्ती होती है, ईजी टू टेस्ट, मोर रिलायबल देन रैम्स, स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशनिंग, इसमें रिफ्रेशनिंग कोई ज़रूरत नहीं होती है, कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड। अब है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इट स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस विच आर फ्रीक्वेंटली एसेस्ड, जो कि प्रेजेंट में बिल्कुल इंस्टेंटली हमको अचानक से जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो कैश में पहले से ही मौजूद होता है। इट इज़ कैप्ड बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम, ये प्रोसेसर और रैम के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। कैश मेमोरी इज मेड ऑफ फास्ट स्पीड्स एस रैम्स, ये एस रैम्स जैसी स्पीड इसकी कैश मेमोरी की होती है। वेन एवर द प्रोसेसर नीड्स एनी पीस ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इट इज चेक्स द कैश फर्स्ट इफ अवेलेबल नोन एज हिट, अगर प्रोसेसर कोई कुछ काम कर रहा है और उसको कोई कुछ थोड़ा डाटा चाहिए या इंस्ट्रक्शंस चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले कैश मेमोरी में चेक करेगा, अगर अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे हिट, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिर वो पहले मेन मेमोरी में चेक करेगा, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी चेक करेगा, उसको हम कहेंगे मिस। तो इफ़ इट इज़ अनअवेलेबल, अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है देन मेन मेमोरी एंड फाइनल मेमोरी इज एसिस्ट नोन एज मिस्ड। तो कैश मेमोरी क्या रोल है एक बार फिर से समझते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में लैपटॉप पे अपने सिस्टम पे कुछ काम कर रहे हैं और आपको एक डेटा की ज़रूरत है या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो सबसे पहले जो CPU है वो कैश मेमोरी में जाकर चेक करेगा कि क्या यहाँ पे वो मौजूद है, क्या वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में मौजूद है, अगर वहाँ मौजूद हैं तो हम उसको हिट कहा गया है, टेक्नोलॉजी फील्ड में उसे कहते हैं हिट। लेकिन अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो उसके बाद तो CPU पहले मेन मेमोरी में चेक करेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी चेक करेगा और फिर वहाँ से डेटा वो एसेस करेगा, उसको बोला गया है मिस। आप डायग्राम देखिए, उसको प्रोसेसर और रैम के बीच में कैश को प्लेस किया गया है। अब है रैम और रोम का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब बेसिक क्या, इट इज़ रीड राइट मेमोरी, कि हम उसमें डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डेटा फेच भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में केवल डेटा हम फेच कर सकते हैं। यूज़ क्या, यूज़ टू स्टोर डेटा दैट हैज़ टू बी करेंटली प्रोसेस्ड बाय CPU टेम्परेली, जो CPU करंट में काम कर रहा है वही डेटा वो रैम स्टोर करता है, और ये इट स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बूटस्ट्रैप के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर। अब है वोलेटिलिटी, कि रैम क्या, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो डेटा आपका प्रेजेंट में रैम में जा रहा है और आपने सिस्टम टर्न ऑफ कर दिया तो सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। रोम इट इज़ नॉन वोलेटाइल, मीन्स अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपका डेटा रोम पे सेव हो गया है तो अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ भी हो गया तो आपका डेटा सेव रहेगा। इट सेंड्स फॉर रैंडम एसेस मेमोरी, इट्स रीड ओनली मेमोरी। मॉडिफिकेशन क्या है, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, अगर आपका रैम में डेटा पड़ा तो आप उसको बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन डेटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड नॉर्मली, डेटा इन रोम कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता है लेकिन आसानी से नहीं होगा मॉडिफाई। कैपेसिटी, रैम साइज फ्रॉम 64 MB टू सेवरल GBs और रोम कंफर्टेबली स्मॉलर देन रैम। कॉस्ट पे, रैम इज कॉस्टलर मेमोरी, मतलब महंगी है, एक्सपेंसिव है, और रोम इज कंपेटिबली चीपर देन रैम। टाइप्स क्या हैं, टाइप ऑफ रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और रोम के टाइप्स PROM, EPROM, EEPROM और UVPROM। तो ये रैम और रोम में डिफरेंस। अब जो पहले वाली इमेज है वो है रैम चिप्स, रैम वाली ऐसी होती है, और सेकंड इमेज है रोम चिप्स। तो अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी फर्दर कैटेगराइज है सिक्वेंशियल एसेस और डायरेक्ट एसेस। सिक्वेंशियल एसेस से मतलब लग रहा है कि डेटा जो है वो एक सीक्वेंस वे में स्टोर्ड है और हम डेटा रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक सीक्वेंस में ही हमको चलना होगा। और दूसरा है डायरेक्ट एसेस, मतलब हम डायरेक्टली रैंडमली अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इजीली।
एक एग्जांपल समझते हैं। पहले टेप रिकॉर्डर्स आते थे तो उसमें जो कैसेट्स होती थी उसमें गाने भरे रहते थे, तो उसमें 100-150 गाने रहते थे। तो आप जो हैं वो गानों अब आपका मन है कि आपको जो 9th वाला गाना है उसको सुनना है, तो आप डायरेक्टली उस 9th गाने पे नहीं पहुंच सकते थे। आप फॉरवर्ड के बटन दबाते थे और फिर एक जगह पॉज करते थे, फिर आप सोचते थे कि हाँ ये वाला है कि नहीं है, तो फिर आप फॉरवर्ड करते थे, बाय चांस आप थोड़ा आगे निकल गए तो फिर आप बैकवर्ड करते थे, तो बहुत टाइम लगता था और आप डायरेक्टली उस लोकेशन पर नहीं पहुँच सकते थे जहाँ पर आपका 9th वाला गाना पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट SS आया, या आपकी CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अब मार्केट से एक DVD लेके आए, उस DVD में 5 पिक्चर्स होते थे आपको याद हो तो आपका फिर आप उस 5 पिक्चर्स में से आपका मन है कि आपको पहले देखनी है कि 5वीं देखनी है, आप डायरेक्टली अपने मन से 5वीं भी चला सकते हो, 3री भी चला सकते हो, 4थी भी चला सकते हो, डायरेक्टली एसेस कर सकते हो कोई भी डेटा अपना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिटेन्स डेटा वेन एवर पावर इज स्विच ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाए तब भी डेटा इसमें सेफ रहता है। प्रोसेसर डज नॉट डायरेक्टली एसेस सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर इसको डायरेक्टली एसेस नहीं करता डेटा सेकेंडरी मेमोरी का। सबसे पहले वो अपनी मेन मेमोरी में देखेगा, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है उसके बाद वो प्रेफर करता है सेकेंडरी मेमोरी पे। सम इनपुट आउटपुट चैनल इज रिक्वायर्ड टू एसेस, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ये थोड़े स्लो चलते हैं। इट हैज़ लार्ज एरिया ऑफ स्टोरेज देन प्राइमरी मेमोरी, बट प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले इसका स्टोरेज एरिया बहुत ज़्यादा है। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंपेरिजन में ये बहुत ही सस्ते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसका एक एक्सटर्नल नाम भी है ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसके जो पार्ट्स हैं सिक्वेंशियल और डायरेक्ट उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारा सिक्वेंशियल एसेस, डेटा कैन बी रिट्राइव्ड ओनली इन द सिक्वेंस इट इज स्टोर्ड। जिस सिक्वेंस में डेटा आपका स्टोर्ड है उसी सिक्वेंस में हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक इमेज बनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लोकेशंस हैं, तो आपको अगर 6ठे पर जाना है तो आप पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, उसके बाद आप 6 पे पहुंचेंगे। आप डायरेक्टली 6 पे नहीं पहुंच सकते। एक्सेस टाइम वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ टाइम, मतलब डेटा को एक्सेस करना ये डिपेंड करेगा कि कितना स्टोरेज भरा हुआ है। अब जैसे आपको 6 वाले पे लोकेशन पहुंचना है तो आपको वो सारे लोकेशंस पहले कवर करने पड़ेंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैग्नेटिक टेप्स इज एन एग्जांपल, जो मैंने कैसेट्स बताई थी आपको टेप रिकॉर्डर वाली, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब डायरेक्ट एक्सेस, एनी स्टोरेज लोकेशन कैन बी सेलेक्टेड एंड एक्सेस रैंडमली, कोई भी लोकेशन पे आप जाना चाहें तो बड़ी आसानी से आप रैंडमली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टाइम टेकन टू एक्सेस एनी स्टोरेज टाइम, और हर स्टोरेज टाइम पे पहुँचने का सेम टाइम है। अगर आप इस मैच पे देखिए, अगर आपको 5th पे जाना है, 6th पे जाना है, तो सेम टाइम लगेगा दोनों में पहुँचने पर। अगर आपको नंबर 1 पे पहुँचना है तो भी उतना टाइम लगेगा जितना टाइम आपको 6th वाली पे पहुँचने पर लगेगा। मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क आर बेस्ट एग्जांपल्स, जैसे आपकी CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट एक्सेस के। अब हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। हार्ड डिस्क की जो हार्ड डिस्क हैं वो एक सर्कुलर डिस्क जैसे आपकी DVD होती हैं वैसी ही बनी होती है, उसी शेप में होती है, और वो सीरीज में होती हैं, एक के ऊपर एक लदी होती हैं सीरीज में, सर्कुलर डिस्क प्लेटर्स। और उसको हम कहते हैं प्लेटर्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क इन अ सीरीज इज नोन एज हार्ड डिस्क। प्लेटर्स आर अरेंज्ड वन ओवर देन ऑलमोस्ट 1/2 इंच अपार्ट अराउंड अ स्पिंडल, मतलब वो एक दूसरे से आधे इंच की दूरी पे होते हैं, सारे सर्कुलर डिस्क आधे आधे इंच की दूरी पे होते हैं। डिस्क आर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड कोटेड विद 10 to 20 nm ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब डिस्क जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और उस पर 10 to 20 nm की मैग्नेटिक कोटिंग होती है। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ दीज डिस्क आर 14 इंच, नॉर्मली इन सब का जो डायमीटर है, इन सारे डिस्क का डायमीटर जो है वो 14 इंच होता है। इट रोटेट्स विद अप्रॉक्स 5000 RPM, रोटेशन पर मिनट, इनकी स्पीड है ये 5000 RPM।
डेटा इज स्टोर्ड बाय मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग द मैग्नेटिक कोटिंग। जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, इसको मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग की हेल्प से हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। अ मैग्नेटिक रीडर आर्म इज यूज्ड फॉर रीड और राइट डेटा टू डिस्क। एक मैग्नेटिक रीडर की ज़रूरत पड़ती है डेटा को रीड और राइट करने में। मॉडर्न HDD, जो आजकल के जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी में जो हार्ड डिस्क आने लगी हैं, उनकी कैपेसिटी 1 TB तक है, 1 TB। यह है आपकी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये डिस्क है। अब बात आती है कॉम्पैक्ट डिस्क की। CDs आर सर्कुलर डिस्क दैट आर ऑप्टिकली रेज लेजर टू रीड राइट एंड डेटा। दे आर वेरी चीप एंड पोर्टेबल एज यू कैन इजेक्ट द ड्राइव, रिमूव द CD। आप वो CD/DVD आपके सिस्टम पर लगे रहते हैं आपके, आप बटन दबाइए, खोलिए, ड्राइव डालिए, CD डालिए, स्टार्ट कर दीजिए। रिमूव करना है तो CD निकालिए, रिमूव हो जाएगा। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द डेटा ऑन दीज CDs आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चर। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ऑडियो और वीडियो आर रिलीज ऑन CD-ROMs। मतलब आपने गेम्स की CD देखी होंगी कि गेम्स की CD आई है या कुछ सॉफ्टवेयर की CD आई है, तो ये मैन्युफैक्चर के टाइम पे रिकॉर्डेड किए जाते हैं, इनको कहते हैं हम CD-ROM। CD-R कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। डेटा कैन बी रिटन बाई यूजर वंस ऑन द CD-R, इट कैन नॉट बी डिलीटेड और मॉडिफाइड लेटर। मतलब CD-R वो CDs होती हैं कि आप उनको मार्केट से खरीदिए, अवेलेबल है मार्केट में, फिर उसमें आप अपना डेटा एंटर करिए। फिर इन CD-R में क्या होता है, एक बार डेटा एंटर करवा दिया यूज़र ने, तो उसके बाद ना तो वो डेटा डिलीट होगा और ना ही उसमें डेटा मॉडिफाई होगा। CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रिलाइटेबल। डेटा कैन बी रिटन एंड डिलीटेड ऑन दीज ऑप्टिकल डिस्क अगेन एंड अगेन। अब मार्केट से ब्लैंक CD ले आइए एक, उसे CD-RW कहते हैं, तो उस CD में आप डेटा जितनी बार आपका मन है उतनी बार डालिए और डिलीट करिए। बार बार आप डाल सकते हैं और बार बार उसे डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVDs की बात हो रही है यहाँ पे। डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1995 में DVD का इन्वेंट किया था फिलिप्स ने और सोनी ने। DVDs ऑफर हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन कॉम्पैक्ट डिस्क। ये CDs से ज़्यादा इनकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वाइल हैविंग सेम डैमेज। वो देखने में फिजिकली बिल्कुल आपको सेम लगेंगे, लेकिन DVDs की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है कंपेटेबल टू CDs। DVD-ROM डेटा कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटन और इरेज। DVD-ROM में डेटा केवल आप केवल एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते डेटा में। ब्लैंक रिकॉर्डेबल DVDs डिस्क कैन बी रिकॉर्डेड वंस यूजिंग अ DVD रिकॉर्डर एंड देयर फंक्शन एज ऑन DVD। आप ब्लैंक रिकॉर्डेबल DVDs लिए, उसमें आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शंस ऑफ DVD-ROM के, जो भी फंक्शंस हैं उस फंक्शन के साथ साथ आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। रीराइटेबल DVDs कैन बी रिकॉर्डेड एंड erased मेनी टाइम्स। जो मार्केट में अवेलेबल है रीराइटेबल DVDs, जैसे मार्केट में CD भी अवेलेबल है, ऐसे मार्केट में रीराइटेबल DVDs भी अवेलेबल है। उसमें आप जितनी बार आपका मन है आप डेटा रिकॉर्ड करिए, erase करिए, फिर डालिए, मॉडिफाई करिए, आपकी मर्जी है। अब ये पोर्टेबल मेमोरी क्या हुई है, अब आजकल आप ये पेंड्राइव बहुत ही कॉमन है, सबसे बेस्ट है ये डेटा स्टोर करने के लिए। आपके मेमोरी कार्ड्स, आपके पेनड्राइव, ये आपके पॉकेट में तक आ जाएंगे, आपकी छोटी सी स्पेस लेंगे ये, और इतना डेटा ये स्टोर कर सकती हैं कि इतना आपका रैम या रोम या आपकी CD/DVD नहीं कर सकती हैं। पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी रेदर डिस्क। ये कोई सॉलिड स्टेट मींस ये ऐसा नहीं है कि बस खाली फिक्स्ड है, जगह आपने सिस्टम में इसको फिक्स कर दिया तो ये वहीं की वहीं रहेंगी। आप इसको पोर्टेबल है मतलब आपको सिस्टम पर लगाइए, स्टोरेज भरिए, फिर सिस्टम से निकाल के आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टेक्नोलॉजी लाइक सिमिलर टू रैम। इसकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई बनाने में इसको, पेन ड्राइव को, रैम की टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, और मेमोरी कार्ड भी एक बेस्ट एग्जांपल है पोर्टेबल मेमोरी का। तो ये आज हमने पढ़ा मेमोरीज के बारे में। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी मेमोरी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत आप उसका सॉल्यूशन देंगे। एंड थैंक यू सो मच।